हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन जो बच्चों के मन में, आप लोगों के मन में अभी चल ही रहा होगा कि सर हाउ टू स्टार्ट द गेट प्रिपरेशन, सर कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो या ड्रॉपर स्टूडेंट हो, सबके लिए वीडियो काम आने वाला है। इस एक वीडियो में गेट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। सबसे पहली चीज कि सर ये गेट एग्जाम का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, गेट एग्जाम का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं वो थर्ड ईयर या उसके बाद इस एग्जाम को लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सर इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है। तो दोस्तों, इस एग्जाम को 7 IITs, जो टॉप 7 IITs हैं, जैसे कि IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी और इसी के साथ साथ IISc बैंगलोर। तो ये 7 टॉप IIT और एक IISc मिलकर इस एग्जाम को सर्कुलर मोशन के अंदर या सर्कुलर फॉर्म में इस एग्जाम को हर साल कंडक्ट करती है। ये एग्जाम हर साल फरवरी महीने के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के अंदर होता है। सर, इस एग्जाम को क्रैक करने से हमको क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, इस एग्जाम को क्रैक करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। सर, कौन कौन से मेजर बेनिफिट है जो आपको मिलता है। तो दोस्तों, इस एग्जाम को क्रैक करने से आपको PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आपको जॉब मिलती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब है दोस्तों, जैसे कि ONGC हो गया, भेल हो गया, नालको, इंडालको, यानी जितने भी प्राइवेट और कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो महारत्ना, मिनी रत्ना, नौ रत्ना पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका पैकेज लगभग 8 लाख से लेकर 23 लाख CTC के आसपास होता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छा खासा पैकेज माना जाता है। अगर आपकी ड्रीम है इस कंपनी में प्लेसमेंट होने के लिए या प्लेस होने के लिए, तो आपको गेट एग्जाम लिखना कंपलसरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोगों ने जैसे 11th 12th में एक सपना देखा था IIT में जाने का और किसी कारणवश आपका वो सपना पूरा नहीं हो पाया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके पास एक और मौका है। उस मौके के तहत आप अपने मास्टर्स के लिए IITs के अंदर, अपने ड्रीम IIT के लिए, जिसके लिए सपना आपने देखा था, वहां फिर से पहुंच सकते हैं। इसका मतलब आपका सपना अभी तक टूटा नहीं। जरूरी है तो चीजों के लिए अवेयरनेस के लिए, यानी जो आपने ड्रीम देखा था उसका मौका अभी भी आपके पास है। बट हां, जैसे आपने 11th 12th क्लास के अंदर मेहनत बहुत करी थी पर कुछ छोटी छोटी चूक रह गई थी जिसकी वजह से आप वहां पहुंच नहीं पाए, इस बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, JEE एडवांस के कंपैरिजन में अगर मैं गेट की बात करूं तो ये उससे इजी लेवल का पेपर माना जाता है, क्योंकि यहां पर अगर आप PYQ को भी अच्छे से एनालाइज करते हैं तो आपको लगभग 40-50% मार्क्स लाना बहुत ही आसान होता है। बट क्वेश्चन की PYQ की भी एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये एग्जाम से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जॉब कैसे मिलने वाली है और इस एग्जाम से आपको IITs में एडमिशन या NITs के अंदर मास्टर्स के लिए आपको एडमिशन मिलने वाला है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ये एग्जाम हम कब लिख सकते हैं। तो दोस्तों, BTech के थर्ड ईयर या उसके बाद आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं। सर, थर्ड ईयर में अगर मैं इस गेट के एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर देता हूं तो क्या मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर थर्ड ईयर में अगर आप क्रैक कर देते हैं तो जो गेट का स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड होता है। अगर फाइनल ईयर में खुदा ना खास्ता आपकी अच्छी रैंक नहीं भी आई पर थर्ड ईयर में ही आपकी अच्छी रैंक आ गई, तो आप उसके गेट के स्कोर बेसिस पे आप IIT में फाइनल ईयर के बाद एडमिशन ले सकते हैं मास्टर्स के लिए। और मान लीजिए थर्ड ईयर में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आपके पास एक और मौका होगा फाइनल ईयर के साथ गेट का एग्जाम लिखने का, और उसके साथ आप अपने IIT के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सर इसका पैटर्न क्या होता है। ये सब चीजें तो आपने बता दी, सर एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन पेपर है, लगभग 100 नंबर का पेपर होता है। ये लगभग 100 नंबर का नहीं, 100 नंबर का ही पेपर होता है, जिसमें 65 क्वेश्चंस होते हैं और 180 मिनट यानी 3 घंटे का टाइम होता है। यानी ऑन एन एवरेज अगर मैं देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम अप्रोक्सीमेटली आपको दिया जाता है, और वो गेट के पेपर के हिसाब से सफिशियंट टाइम होता है। अच्छा सर, इसके एग्जाम की अगर मैं बात की जाए तो एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, इसके एग्जाम में इंजीनियरिंग सेगमेंट के, आप जिस जिस ब्रांच से हैं, आप कोई भी ब्रांच हो आपका, ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच से, लगभग 26 ब्रांच से गेट का पेपर आप दे सकते हैं। मेनली जो बच्चे अपीयर करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल के अंदर, सिविल के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, जनरल साइंस से भी बच्चे लिखते हैं, इसके अलावा एरोस्पेस से लिखते हैं, जनरल फिजिक्स से लिखते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपके पास ब्रांचेस है जिसके थ्रू आप गेट का पेपर लिख सकते हैं। दोस्तों, तो आप अगर बीटेक के अंदर हैं
तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा ये बोलता है कि सर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से हूँ, क्या मैं गेट का एग्जाम दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो दोस्तों, आप चाहो तो सीएस ब्रांच के अंदर आप गेट का पेपर लिख सकते हैं। इसके साथ एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर मैकेनिकल से हैं और आप चाहते कि मैं गेट सीएस से लिखूं तो भी आप गेट सीएस से लिख सकते हैं, बट आपको सीएस का कोर्स पढ़ना होगा दोस्तों, राइट? ठीक है सर, ये भी चीज समझ में आ गई। बट सिविल से हूं पर मैं सीएस में गेट लिखना चाहता हूं, आप लिख सकते हो। सर मैं सीएस से हूं और मैं सिविल के अंदर गेट देना चाहता हूं, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट? अच्छा जी, इसके पूरे अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं दोस्तों गेट की, तो दो पार्ट में स्प्लिटेड है। एक टेक्निकल पेपर होगा, मतलब पेपर एक ही होगा पर एक सेक्शन टेक्निकल होगा और एक सेक्शन नॉन टेक्निकल होगा। लगभग 72 नंबर का टेक्निकल सेक्शन होता है। सर टेक्निकल के अंदर कौन सा पेपर आएगा? वही चीज जो आप अपने बीटेक के अंदर सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर से फाइनल और फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर तक जो आप पढ़ते हो, मेनली जो आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर जो आप कोर्स में पढ़ते हो, सेम चीज गेट के सिलेबस में। इवन जो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में भी कुछ सब्जेक्ट जो आपके हैं वो गेट के सिलेबस में। इसका मतलब गेट के अंदर सिलेबस के अंदर जो जो सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आप ऑलरेडी बीटेक के अंदर पढ़ने वाले हो, राइट? आप पढ़ ही रहे होंगे या पढ़ने वाले होंगे, सेम चीज आपको गेट के लिए पढ़ना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। सर इसको क्रैक कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये एक वीडियो से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेट के बारे में मिलने वाली है। दोस्तों यहां गेट में 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 28 नंबर मैथ्स और एप्टीट्यूड का होता है, जिसको नॉन टेक्निकल बोला जाता है, जिसमें 15 नंबर एप्टीट्यूड के और 13 नंबर मैथमेटिक्स के होते हैं। वो भी मैथमेटिक्स वही है जो आप इंजीनियरिंग सेगमेंट में पढ़ने वाले हो, और कोर ब्रांच वाले तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा जी, कोर ब्रांच के लगभग 55 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब लगभग 82 मार्क्स का होता है, 85 लिखा हुआ है, लगभग 82 मार्क्स का होता है, और जनरल एप्टीट्यूड प्लस मैथमेटिक्स जो है वो 28 नंबर के आसपास का ये चीज होती है, राइट? 72 का ये होता है टेक्निकल और 28 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड प्लस मैथमेटिक्स होता है। यहां मैथमेटिक्स को भी यहीं पर लिख दिया गया है, इस वजह से ये मार्क्स खाली 15 नंबर एप्टीट्यूड का अलग किया गया है और मैथमेटिक्स प्लस टेक्निकल सब्जेक्ट को इसके अंदर डाल दिया गया है। दोस्तों आईआईटी की तरह ही यहां भी तीन तरीके के पेपर क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू, यानी चार में से एक सही होगा, सही सेलेक्ट करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, गलत सेलेक्ट करोगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 होती है। एक नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1/3 कट जाएगा, दो नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2/3 कट जाएगा गलत देने। यहां पर जो क्वेश्चन होते हैं वो दो ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं, या तो एक नंबर के होंगे या फिर दो नंबर के होंगे। दूसरी चीज एमएसक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों चार में से एक भी सही हो सकते हैं, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, चारों सही हो सकते हैं। अगर आप सारे सही आंसर को टिक करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, बट यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एमएसक्यू में, यही चीज, और ना ही पार्शियल मार्किंग होती है। यही अगर मैं एनएटी की बात करूं न्यूमेरिकल आंसर टाइप का, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के लिए दोस्तों एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला चीज रहेगी। आपके पास क्वेश्चन होगा, आप उसको सॉल्व करिए, जो भी आंसर आता है, मान लीजिए 2.52 आंसर आता है, तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर की मदद से या वर्चुअल कीबोर्ड की मदद से 2.52 वहां लिखना होगा तो आपको मिलेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन में होती है, एमएसक्यू और एनएटी टाइप के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सर इसका सिलेबस क्या है? तो दोस्तों जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं, सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। जैसे इस बार की अगर मैं बात करूं जो 2024 के अंदर एग्जाम होने वाला है उसका पेपर आईएससी कंडक्ट कराती है, और आप जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको एक सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करिए और आप ये फील करोगे जो आपके सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स गेट के अंदर भी हैं। मतलब कोई एडिशनल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बट जो सपना देखा था वो पूरा करने का मौका जरूर है दोस्तों। अब बात करते हैं, यहां पर मैंने ये चीज डिस्कशन कर लिया, ठीक है, कि सर एमटेक और पीएसयू का जॉब मिलेगा। सर कब दे सकते हैं एग्जाम? थर्ड ईयर वाले दे सकते हैं, फाइनल ईयर में आपने रैंक को और इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? ये सारी चीजें हमने डिस्कशन करी। अच्छा, गेट का सिलेबस आपके जो थर्ड ईयर वाले तक के सिलेबस के अंदर जो है आपके सेमेस्टर में वही चीज है। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप स्टार्टिंग से ही गेट की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं तो कॉलेज के अंदर जो प्लेसमेंट के लिए जो कंपनी आती है वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप टेक्निकली बहुत साउंड हो जाते हो। अगर टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड हो जाते हो तो इससे फायदा, क्योंकि जो भी कंपनी आएगी आपको प्लेसमेंट के लिए आपके कॉलेज में थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर, वो भी आपसे टेक्निकल ही क्वेश्चन पूछेगी, रिटन पेपर के अंदर एप्टीट्यूड लेगी, एप्टीट्यूड आप गेट में पढ़ ही रहे हो, और साथ ही जो टेक्निकल कंसेप्ट अगर वो पूछेगी तो आप गेट लेवल पे इतने हाई लेवल पे टेक्निकल चीजों को पढ़ते हो कि उनका क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही आसान फील होगा और आप इजी तरीके से उस इंटरव्यू को भी क्रैक कर सकते हो। यानी आईआईटी में जाने का सपना भी पूरा होगा, पीएसयू में जाने का भी सपना होगा, और कॉलेज प्लेसमेंट के लिए जो कंपनी आती है उसको तो ऐसे आप निपटा सकते हो।
अब बात करते हैं दोस्तों कुछ सजेशन कि सर मान लीजिए कोई बच्चा है फर्स्ट ईयर में बोलता है सर मैं फर्स्ट ईयर से किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे सिविल के अंदर हो, चाहे कंप्यूटर साइंस में हो, कोई भी ब्रांच में हो, आप सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर जाकर सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद आप अपनी वीकनेस और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आपको लगभग 3 साल तक आपको कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करनी होगी। क्या आप अपने आप से वादा करके 3 साल तक कंसिस्टेंट रह सकते हैं? अगर आप 1 घंटा भी डेली पढ़ते हो तो क्या आप ये प्रॉमिस कर सकते हो अपने आप से कि 1 घंटा आप डेली पढ़ोगे? अगर ये प्रॉमिस कर सकते हो तो मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि गेट एग्जाम बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हो दोस्तों। बट पहली चीज, ये प्रॉमिस आपको करना जरूरी है। दूसरी चीज, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी तक 11th 12th के अंदर दोस्तों आप किसी न किसी कोचिंग से कनेक्टेड थे या सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे, तो एक रेगुलर रूटीन बन रहा था और आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस थे। अब जब आप कॉलेज में जाओगे तो बहुत सारे एक्टिविटीज होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि उस एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट नहीं करना, उस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करिए, पर साथ में आपका ड्रीम, आपका विजन आपको क्लियर होना चाहिए। कॉलेज में जाने के बाद डिस्ट्रेक्शन के बहुत सारे मौके मिलेंगे और मैं चाहता हूं कि आप डिस्ट्रिक्ट भी हो, राइट? थोड़ा डिस्ट्रेक्शन आता है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट उसके साथ आपका ड्रीम धूमिल नहीं होना चाहिए, आपका ड्रीम खो नहीं जाना चाहिए, आपका ड्रीम आपको दिखते रहना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी आपको दिखते रहना चाहिए। बोले 1 घंटे प्रिपरेशन कर रहे हो गेट के लिए, पर डेली करना है और इसकी शुरुआत करनी है आज से ही जब वीडियो देख रहे हो, और पीडीएफ ऑफिशियल साइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके आप सिलेबस को एनालाइज कर रहे हो। अगर 1-2 PYQ को आप देख रहे हो, इसका मतलब आप सीरियस है ड्रीम को लेकर, और सीरियस है तो गेट का पेपर इतना आसान है। अगर सीरियस है आपका, सर मैं एवरेज स्टूडेंट हूं पर सीरियस हूं, एग्जाम फोड़ दोगे। फोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि 1000-2000 रैंक, फोड़ने का मतलब है कि आप सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक के अंदर ला सकते हो, क्योंकि कैसे एक स्टूडेंट नहीं, ऐसे मल्टीपल एन नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो सिर्फ सीरियस थे बट एवरेज थे, उन्होंने इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक किया, राइट? मैं खुद अपना एग्जाम्पल हूं दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक 23 आई थी मेरी, ऑल इंडिया रैंक 26 आई एक बार, और ये सब चीजें, मैं भी ऐसा नहीं था कि कॉलेज में बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, आप लोगों की तरह एवरेज था, बट हाँ थोड़ा सा डेडिकेटेड जरूर था। जब मैंने गेट का फॉर्म भरा तो उस समय सीरियस हो गया कि एग्जाम निकालना ही। अगर आप सीरियस हो जाते हो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं डिस्कशन करता हूं दोस्तों कि सर आप एक चीज कॉमन देखोगे, अभी जिस भी सेमेस्टर में आप हो, अगर फर्स्ट ईयर के अंदर आप हैं तो सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा, उस मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक जरूर गेट के सिलेबस में होंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो, आपको उस टॉपिक पे काम करना होगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपकी सी लैंग्वेज आपके सिलेबस के अंदर मेंशन होगा, फर्स्ट ईयर में ही आप सी लैंग्वेज से अपनी शुरुआत कर सकते हो, सेकंड सेमेस्टर में तो डिजिटल लॉजिक से शुरुआत कर सकते हो। जो गेट के अंदर सिलेबस के अंदर है, जो गेट के अंदर है, सेम चीज आपको आपकी यूनिवर्सिटी में भी है, आपको दोनों का कॉमन पार्ट देखकर आपको प्रिपेयर शुरू कर देना है। इसी के साथ साथ दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगर आप मैकेनिकल और सिविल के अंदर हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ मैकेनिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप पढ़ते होंगे, वो कॉमन है गेट के अंदर भी। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, वही है जो आप कॉलेज के अंदर पढ़ते हो। बट हाँ, यहां पर सोचने की जरूरत है, जब कॉलेज में आते हैं ना थोड़ी सी हवा लग जाती है, बच्चा सोचता है पहले थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं फिर प्रिपरेशन शुरू करूंगा। मैंने कब कहा एंजॉय नहीं करना, बट हाँ यहां पर एंजॉयमेंट के साथ आपको प्रिपरेशन भी करना, और ये कंपलसरी दोस्तों गेट के लिए। मैंने बताया गेट इज जस्ट ऑल अबाउट द हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन। 1-1 घंटे का अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो आप एग्जाम निकालोगे। सर मैं 30 मिनट से डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप 30 मिनट से डेली पढ़िए, एग्जाम निकालोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल ये आपके सेमेस्टर के अंदर है, जो आप लोगों ने 11th 12th 12th के अंदर KVL KCL पढ़ा था वो भी आपके गेट के सिलेबस में। बात समझ आ रही? इसका मतलब जो भी चीज आपने पढ़ी वही यूज होने वाला है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में जाके। अब बात करते हैं कि सर करना क्या चाहिए, कि मैं सेल्फ स्टडी करूं। यहां पर सबसे ज्यादा डाउट आता है बच्चों कि सर मैं सेल्फ स्टडी करूं या किसी कोचिंग को ज्वाइन करूं। यार अगर आप वेल डिसिप्लिन है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी से भी हजारों बच्चे एग्जाम निकालते हैं गेट। बट अगर आपको लगता है कहीं गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आजकल तो आपको पता है कि अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन तो वैसे PW अवेलेबल करवा ही रहा है, राइट? लगभग 5,000-7,000-8,000 के अंदर पूरा का पूरा गेट का कोर्स हो जाता है, तो ये तो आपकी चॉइस है। इसका मतलब मैं ये कतई ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कोचिंग ज्वाइन करना ही है, आप चाहो तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट? इसी के साथ साथ दोस्तों और एक और चीज बता देता हूं, जो बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर हैं उनके लिए भी, फर्स्ट ईयर के साथ ही आपके सेमेस्टर को मैच करते हुए एक 2026 के लिए भी बैच आने वाला है, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अनाउंस होने वाला है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। इसके अलावा दोस्तों लॉट ऑफ स्टूडेंट डू नॉट पे अटेंशन ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर।
अगर आप पेड कोर्स के अंदर एनरोल हो जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट सीरियस नहीं होते हैं, एनरोल तो कर लेते हैं पर वही चीज कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, और जो कंसिस्टेंट नहीं रहता वो एग्जाम नहीं निकाल सकता, चाहे गेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। आपने एक गलती, हम ये मत बोलना कि सर मैं बहुत जीनियस हूं, आपने एक गलती 11, 12th के अंदर करी थी, IIT नहीं पहुंचे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी वहां पर, फिर से वो गलती मत करना। जिंदगी बार बार मौका नहीं देता, वक्त सबको एक जिंदगी देता है बदलने के लिए, पर जिंदगी बार बार वक्त नहीं देती बदलने के लिए, एक ही वक्त मिला है, राइट। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सर इसके साथ लाइव लेक्चर्स के साथ आपको क्या करना होगा दोस्तों, नोट्स बनाने होंगे, राइट। दो दो घंटे की क्लास, ढाई ढाई घंटे की क्लास चलती है, क्लास के साथ आपको नोट्स बनाने होंगे, राइट, और स्मार्ट वर्क की तरह काम करना होगा। क्लास में फैकल्टीज आपको बताती है किस तरीके से नोट्स बनाना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, कैसे माइक्रो नोट्स बनाना है, राइट, ये चीज काम करना होगा। दूसरी चीज, जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे होंगे तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी कॉलेज के साथ मैनेज करने में। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि कॉलेज का भी 8 घंटे का रूटीन होता है, गेट के 2 घंटे की स्टडी होती है, बच्चा सोचता है कि सर मैं कैसे मैनेज करूंगा, यहां दिक्कत होती है। दोस्तों जब आप कॉलेज शुरू कर रहे होंगे तो आपको ये फील होगा कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप कॉलेज में निपटा सकते हो, पर आप दोस्तों के में गप्पे मारने के चक्कर में उसको आप अपने घर तक ले आते हो उस काम को, और उसके बाद रात में बैठकर दिन लेट नाइट तक आप काम कंप्लीट करते हो, चाहे असाइनमेंट हो, चाहे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, कुछ भी हो। जो कॉलेज का काम है ट्राई करिएगा कॉलेज के अंदर ही कंप्लीट करने का, और कॉलेज में भी छोटे छोटे बहुत सारे टाइम स्पैम आपको मिलते हैं जिसको अच्छे से यूज कर सकते हो, यानी टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो आपको डेवलप करना होगा। हो सकता है आपको 4 घंटे का कंटिन्यू टाइम ना मिले, पर 15-15 मिनट के आपको 4 स्ट्रेच मिल जाए, 15-15 मिनट के 4 अगर आपको स्लॉट मिल गया, इसका मतलब आपको 1 घंटा मिल गया। यहां पर 15 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 15 मिनट में आप 5 क्वेश्चन को निपटा सकते हो, 15 मिनट में आप छोटे कंसेप्ट को पढ़ सकते हो, माइक्रो कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हो, तो यहां पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही दोस्तों यहां पर PYQ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। PYQ के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं तो लगभग 40-50% मार्क्स आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हो, क्योंकि गेट में क्वेश्चन रिपीट ना हो भले, बट कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं। तो अगर आपने 40-50% जो गेट के PYQ है उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके आपने सॉल्व किया, तो बहुत ही अच्छी गारंटी है कि 1000-2000 रैंक तो आप ऐसे ही ला सकते हो। उससे आगे लाने के लिए आपको कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में जाना होगा। नेक्स्ट, अगर मैं डिस्कशन करता हूं दोस्तों कि सर सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर, जो मैंने आपको बताया, सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स व्हाइल स्टडीइंग इनटू द इंडिविजुअल सब्जेक्ट। जब भी कभी आप कोई एक सब्जेक्ट उठाते हो, आपके जितने भी PYQ हैं उन सबको सॉल्व करना है सब्जेक्ट के साथ, अलग से वेट नहीं करना। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी PYQ हैं उन सबको सॉल्व कर लीजिए, दूसरा चैप्टर उठाया PYQ सॉल्व कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। PYQ एवरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ठीक है, ये मैंने आपसे डिस्कशन कर ही लिया दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं, इट इज वेरी कॉमन मिस्टेक जो करता है बच्चा, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स 28% 28 मार्क्स एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स से आता है, और बच्चा इसको हमेशा अंडर एस्टिमेट करके रखता है कि इंजीनियर है ना, हम तो कभी भी कर लेंगे ऐसा, उसको अंडर एस्टिमेट करके रखता है। आपको एक चीज बहुत जबरदस्त तरीके से समझने की जरूरत है कि 28% का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो गेट का कट ऑफ जाता है जनरली 25 नंबर जाता है, यानी मैथ्स और एप्टीट्यूड भी अगर आपके स्ट्रॉन्ग है ना तो कट ऑफ भी आप ऐसे निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही, यहां पर स्मार्ट स्टडी करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, राइट। अच्छा, डू नॉट मेक दैट मिस्टेक, आपको मैथ्स और एप्टीट्यूड को इग्नोर नहीं करना है, उसको भी बहुत सीरियसली आपको लेके जाना है दोस्त। इसके अलावा मैं बात करूं, जितने भी थियोरटिकल कंसेप्ट या न्यूमेरिकल चीजें हैं जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है उसको यूनिवर्सिटी में ही कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा हमेशा, राइट। तो कंप्लीट द कॉलेज असाइनमेंट्स एंड लैब रिपोर्ट्स इन द कॉलेज इटसेल्फ। बहुत टाइम मिलता है यार, खाली पीरियड होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, उसके अंदर बैठ के बनाइए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप उसको घर तक मत लाइए, ट्राई करिए। मैक्सिमम टाइम आप कर भी लोगे, कुछ टाइम आता है तो उससे लेकर आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बस चीजों को ध्यान रखना है, राइट। उसके अलावा दोस्तों कॉलेज के अंदर भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्पैम के टाइम मिलते हैं। लंच ब्रेक 1 घंटे का है मान लीजिए, आधे घंटे में आपने लंच ब्रेक किया, आधे घंटे में गप्पे लगा तो तेरी वाली कैसी, मेरी वाली कैसी, इन सब चीजों को छोड़कर उस टाइम आपको थोड़े से PYQ लगा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैं बता दूं, मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूं कि कॉलेज की लाइफ को आपको जीना नहीं है, आप कॉलेज की फुल लाइफ जीजिए, दोस्त बनाइए, घूमने जाइए, पिक्चर देखिए, क्योंकि यार बीटेक में जब आप आए आपने 11th 12th में बहुत रिग्रेसली बहुत मेहनत करी, अब आपको गेट के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, हाँ थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। घूमिए, पिक्चर जाइए, दोस्त बनाइए, गर्लफ्रेंड बनाइए, बॉयफ्रेंड बनाइए, जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं, उन सबका गेट से कोई लेना देना नहीं। बट हाँ, गेट से लेना देना यह कि आपने ड्रीम बनाया कि मैं गेट फोड़ूंगा और आप डेली 30 मिनट्स ही गेट के लिए सीरियस हो, ये मोर देन सफिशियंट है। और सबसे पहले सर शुरुआत कहां से की जाए, तो दोस्तों शुरुआत आपको बड़े सिंपल तरीके से करना है, आज ही PYQ डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, आप किस ब्रांच में लिखना चाहो। यहां पर कुछ क्वेश्चन ये भी डाउट आता है कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी गेट में 2 पेपर लिखे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब होता है
पेपर वन और पेपर टू आपकी जो मेन ब्रांच है, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो पेपर वन आप इलेक्ट्रॉनिक्स से दे सकते हो, और आप चाहो तो दूसरे ब्रांच में भी पेपर दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंटेशन। कोई मैकेनिकल से है और सोचे मैं सिर्फ सीएस से ही पेपर देना चाहता हूं, आप वो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपकी चॉइस है, उसके कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं कि कौन से ब्रांच वाले कौन कौन से ब्रांच में दे सकते हैं, अब वो भी रूल रेगुलेशन पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, आपको सारी चीजें मिलेगी। अगर फिर भी डाउट है तो मैंने एक वीडियो भी लिया हुआ जिसके अंदर डिस्कशन किया टू पेपर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होगा कि सर टू पेपर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने से, यानी मैं पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स में दे भी रहा हूं और मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन में भी दे रहा हूं, तो कहीं कंफ्यूजन तो नहीं होगा? यार कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। कोई ये बोले कि सर मैं डिफरेंट सिलेबस वाली दो चीजें चूज कर रहा हूं, तो फिर दिक्कत है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं डिफरेंट वाली मत चूज करिए, वही चूज करिए जो आपकी ब्रांच से मिलता जुलता है। इसके लिए मैं डिटेल से आपको एक एनालिसिस करके बताऊंगा। आज के इस पूरे सेशन में आपको पैटर्न समझ में आया होगा, गेट से क्या बेनिफिट मिलता है वो समझ में आया होगा, सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कॉलेज के टाइम को मैनेज करना है, कॉलेज की जो चीज एक्टिविटी है उसको कॉलेज में ही कंप्लीट करना है, और डेली 30 मिनट्स आपको एनालाइज करना है, और अपने आप से एक वादा करना है कि सर मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। अगर अपने आप से वादा करते हो कि आप कंसिस्टेंट रहता हूं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि गेट में आपकी सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक जरूर आएगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से काफी कुछ आपको चीजें समझ में आई होगी। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।